नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वृंदावन के बंसीवट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। जिस तरह मैंने आपको चीरघाट के बारे में बताया था, वहाँ के वृक्ष के बारे में कि जिसपे पूरे वृक्ष पे राधा कृष्ण लिखे हुए हैं, उसी तरह बंसीवट में भी बहुत ही चमत्कारी वृक्ष है। यदि आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर जितने भी पेड़ हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो लगे हुए हैं, उन पे आप कान लगा के एकदम गौर से यदि आप सुनेंगे तो आपको बंसी की आवाज़ सुनाई देगी और ढोल मृदंग जो होते हैं उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी और बहुत क्लियर आवाज़ सुनाई देती है। मैंने खुद सुना है इस चीज़ को और जब मैंने सुना तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी कि इतनी चमत्कारी चीज़ें हमारी धरती पर है और हम लोग इतने सालों से उससे विरक्त थे, हम लोग कभी देख ही नहीं पाए। लेकिन 84 कोस की यात्रा जब अपने करते हैं तो उसमें बंसीवट भी आता है और बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ सुनते थे हम लोग कि कृष्ण जी यहाँ रहते थे, लीला करते थे, लेकिन आज एक एक सबूत हम लोगों को मिलते हैं, उनके यहाँ होने का एहसास दिलाते हैं। तो बंसीवट में जब आप कान लगा के सुनोगे और जब आपको ढोल मृदंग की आवाज़ आएगी, बंसी की जब आवाज़ आएगी, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि बंसीवट पे कहा जाता है कि वहाँ यदि आप बैठकर एक नाम भगवान का लेते हो तो आपको उसको सोगना फल मिलेगा। तो कम से कम आप लोग वहाँ यदि जाओ तो कम से कम 108 बार भगवान का नाम जरूर लीजिएगा ताकि आपको उसका सोगना फल मिले। क्योंकि जिस तरह पैसे कमाने का अपने लोगों के मन में एक लालच होता है ना, उसी तरह भगवान का नाम को भी कमाने की मन में लालसा होनी चाहिए कि हम एक ले रहे तो जैसे अपने बोलते हैं ना, एक का 100 बनाना है रुपया अपने को, तो इसी तरह भगवान का एक नाम का यदि 100 नाम मिलता है तो क्या खराब है यार। बहुत अच्छे से करना, जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पे बैठ के आप लोग लीजिएगा। हमने भी लिया था, आप भी लीजिएगा और हो सके तो एक बार बंसीवट जरूर होकर आइएगा। बहुत ही अच्छी जगह है, वहीं पर भगवान कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे। और सोचिए जब वहाँ भगवान बंसी बजाते तो वहाँ के एक एक पेड़ में भगवान की बंसी एकदम लीन हो रखे, इतनी लीन हो रखे वो पेड़ों में कि आज भी अपने कान लगाते तो वहाँ पे बंसी की आवाज़ और ढोल की ताल की आवाज़ सुनाई देती है। तो उस जगह को यदि हम लोग छू भी लेते तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को इस चीज़ के दर्शन करने मिल रहे हैं। तो हो सके तो एक बार आप लोग वृंदावन में बंसीवट जरूर जाके आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। जय श्री कृष्ण।